किशनगढ़ पास कस्बे के खैरतल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पर 25 वर्षीय एक युवक की हत्या के विरोध में किशनगढ़ पास रेफरल चिकित्सालय के सामने लोगों ने चक्का जाम किया। थानाधिकारी कोटकासिम नंदलाल जांगिड़, थानाधिकारी खैरतल दिनेश कुमार, थाना पुलिस किशनगढ़ पास सहित पुलिस का लवाजमा मौके पर मौजूद रहा। लोगों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी करने, मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। उल्लेखनीय है कि किशनगढ़ पास कस्बे के खैरतल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पर 6 युवकों द्वारा करीब 25 वर्षीय एक युवक के साथ लोहे की रॉड से हत्या कर दी गई। इसकी हमको कोई गारंटी तो दे, कल की हमने रिपोर्ट दे रखी, किसी ने तो यार किसी मुद्दे पे आओगे तो गारंटी दिलवाऊंगे। अभी गारंटी अधिकारी क्यों आएंगे जब तुम किसी मुद्दे पे जज नहीं रहे। आप किसी मुद्दे पे तय करिए अधिकारी। आपको इन्होंने हमसे ये कहा था कि सुबह हम आपको रिजल्ट देंगे, दो कहा है रिजल्ट, कमेंटमेंट था इनका, क्या रिजल्ट है? पूरी बस्ती के सामने कमेंटमेंट करके गए थे आगे थाना अधिकारी। भैया अभी थोड़ी देर पहले मैं जिद बहस में नहीं, रात का कमेंटमेंट है इनका, पुलिस वालों का जिद बहस नहीं कर रहा। बताओ क्या करिए, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट आई कि साहब जब तक मुलजिम अरेस्ट नहीं होंगे डेड बॉडी दाह संस्कार नहीं होगा। मैं तो क्लियर मेरे व्यक्तिगत कह रहा हूँ, मैं कोई समाज से फैसला नहीं कर रहा इस बात से। दूसरी चीज ये है, जांच अधिकारी हो, एडिशनल एसपी से ऊपर की रैंक का हो, ये किसी गारंटी है क्या? बाकी ये जरूर है, हम प्रयास अविलंब करेंगे। देखो साहब इसकी तो घंटे में ले आएंगे, नहीं रात को करा कुछ, एक आध आदमी तो आए, उनके परिवार का तो आए, किसी को तो आए तो सही है। इस चीज के लिए, इस चीज के रात से आपने क्या प्रोग्रेस की तो बताओ हमको, कुछ संतुष्ट कैसे हो? इसको पता है कर मारने वाले मार गए पुलिस अपने, तब तक तो आपकी तरफ से तो जीरो ही है। बिल्कुल भाई, हमने प्रयास कर लिया चाहे, और वो हम आपको गिनाए तो कैसा, पकड़ा नहीं आपने भाई। बिजू मुलजिम भी हाथ आएगा, सब आएगा, सभी अरे आएगा। पर हम जो कह रहा है ना, वह चीज को हमारी भी सुनो, हम सिर्फ जांच की मांग कर रहा है, जांच एडिशनल से कम नहीं हो। इसकी ये कहाँ भर रहा है, कौन ना भर ये बताओ। अरे एक मिनट यार, ये चीज एडिशनल की जांच हो जाए और गिरफ्तारी का आश्वासन दे कि हम इतना टाइम में मैं ये कह रहा हूँ, एडिशनल को एसपी छुट्टी पे है, एडिशनल को बुलवा देंगे, कलेक्टर नहीं है, बुलाना नहीं है हमको, जांच अधिकारी चाहिए, उससे कम रैंक का यार। एक बात है बेटा, प्रधान जी जांच कोई भी करे, एडिशनल एसपी और एसपी के निर्देशन में ही करता है। साथ सुनो मेरी बात सुनो, मुलजिम पकड़ने कोई एडिशनल एसपी साथ नहीं जाते, हमारे नीचे की पुलिस पकड़ती है। आपको कहीं आक्षेप हो तो प्रधान जी खड़े, जांच चेंज नहीं हो जाती है साहब, हमको है कल के बाद आपको विश्वास नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूँ चेंज नहीं हो जाती है। जैन नहीं, जांच शुरुआत में जांच नहीं रखना चाहते, खैरतल भेज देंगे, खैरतल नहीं रखना। देखिए सर, जाम तो अभी आपको पता है, एक दो दिन पहले बच्चे से झगड़ा हो रहा, उसकी डेथ हो चुकी है, उससे पहले भी समाज में रोष है, दो झगड़े पहले भी हो चुके हैं, हाथ पैर तोड़े गए, तो समाज में एक पुलिस के प्रति जो व्यू जा रहा है, साहब पहले भी झगड़े हुए और जो बैन मुलजिम थे वो आज तक नहीं पकड़े गए, और पकड़े भी गए होंगे तो कोई एक आध पकड़े होंगे। आज भी सबसे पहली तो मैं समाज की आवाज बोल रहा हूं, समाज की सर्वप्रथम तो है कि तुरंत जल्दी से जल्दी मुलजिम पकड़े जाए तुरंत। दूसरा, मृतक को यदि सरकार की कोई स्कीम हो तो उसको आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए। भाई बच्चा है जो समाज डिमांड कर रहा है, भाई कभी उसका कुछ बेनिफिट मिले तो उनको बच्चों को नौकरी में, ये समाज। चूंकि अभी डेड बॉडी यहाँ पर नहीं आई है तो क्या उसका पोस्टमार्टम यहाँ होगा या हरदर होगा? देखिए ये अभी समाज हमारा डिस्कशन कर रहा है, वो समाज अभी निर्णय करके अभी बता। तो इसमें ये मांग में शामिल है कि आपकी इस पोस्टमार्टम की मांग भी शामिल है? वो मैं अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, समाज अभी निर्णय कर लेता है हमारा, वो मैं उसके बाद ही बताऊँ। तो जब तक आपका निर्णय नहीं हो जाता तो जब तक शायद आप जो है धरने में बैठे रहेंगे? नहीं, हम जल्दी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हम भी नहीं चाहते पब्लिक परेशान हो, लोग परेशान हो, धरना ज्यादा नहीं रहना चाहिए, पुलिस भी रुकी हुई है, जनता भी परेशान, इसका अभी हम निर्णय करके कि भाई पोस्टमार्टम वहाँ होना है, या बाकी सब चीजें क्लियर होगी, समाज ज्ञापन दे रहा है।